नायब और मोहन की जोड़ी जी, ये वास्तव में आज चर्चा का विषय है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चाल चरित्र चेहरा जो कांग्रेस पार्टी का वो उजागर हुआ है। अगर अनिल विज की बात करें, पिछले दिनों उन्होंने एक दावा ठोका कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, और अभी आज भी उन्होंने बयान दिया कि अगर मुझे मुख्यमंत्री पद मिलता है तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये अनिल विज जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनका अपना निजी बयान है, उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बड़ोली साहब, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके और अगर मैं कहूं नायब सिंह सैनी, इन दोनों की जोड़ी ने एक बार फिर से मिरेकल किया। तीसरी बार फिर से नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी एक बहुमत में और सरकार बनाती नजर आ रही है। तो कौन सी रणनीति के तहत जो है ये इस बार के जो चुनाव है उनमें ये आपने करिश्मा दिखाया है? ये हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब और मोहन की जोड़ी जी, ये वास्तव में आज चर्चा का विषय है, और आपने भी उस बात को कहा है। ये नायब और मोहन की जोड़ी को हरियाणा की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का जो आशीर्वाद दिया है, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश और प्रदेश में विकास की गति को तेज करने का काम किया और जन कल्याण की योजनाएं जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम किया, आप किसी भी गांव में जाके देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने हुए दिखाई देंगे। आप किसी भी गाँव में गली में जाएंगे तो आयुष्मान योजना का लाभ लिए हुए आपको अनेक लोग मिलेंगे। किसी ने आंखों का ऑपरेशन करवाया है, किसी ने अपने दिल का ऑपरेशन करवाया है, किसी ने अपने पेट का इलाज करा है, किसी ने अपने घुटने बदलवाने का काम किया। आज देश का 70 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी महिला हो, पुरुष हो, उसके परिवार को चिंता नहीं है कि मैं अपने बुजुर्ग का इलाज कैसे करवाऊंगा, उसकी चिंता की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है जी। और इनकी इन सब नीतियों का परिणाम है कि आज हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की जो मेहनत, उनका परिश्रम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में जाके घर घर प्रचार करना, घर घर संपर्क करना, जो कठिन मेहनत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है, उनकी मेहनत का ये परिणाम है। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, ये हरियाणा की जनता ने एक नया इतिहास हरियाणा की राजनीति में रचा है कि तीसरी बार किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार बनाने का जो श्रेय भारतीय जनता पार्टी को गया है, ये हरियाणा की जनता बधाई की पात्र है जी। कहीं ना कहीं अगर सुबह के रुझान देखें, आज सुबह के रुझान जो थे उसमें शुरुआती दौर में, बिल्कुल शुरुआती दौर में कांग्रेस एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे आती हुई नजर आई, और उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, जैसे जैसे राउंड गिनती के पूरे होते गए, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त की ओर जाती गई। तो जो कांग्रेस पार्टी के कुछ शीर्ष नेता थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एक दोष लगाया कि इलेक्शन कमीशन जो है उनकी जो साइट है उसमें प्रॉपरली वो आंकड़े जो है वो नहीं पेश कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चाल चरित्र चेहरा जो कांग्रेस पार्टी का वो उजागर हुआ है, और ये चुनाव के समय भी जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बड़बोलापन दिखाया, घमंड दिखाया, किस प्रकार से बूथ पर जो कमजोर और गरीब लोगों को वोट डालने से रोकने का काम किया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो बहका वातावरण बनाने का प्रयास हरियाणा में किया है, ये हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया है। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के आरोप पहले से लगाती रही है, कोई नया नहीं है, और मैंने दो दिन पहले भी प्रेस में कहा था कि ये गिनती से पहले का जो ये एग्जिट पोल है, इस एग्जिट पोल के सभी एजेंसियों को मैंने धन्यवाद किया था कि कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को खुशी मनाने का दो दिन का समय एग्जिट पोल ने दिया है, और 8 तारीख को जब गिनती होगी, जब रिजल्ट आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और हरियाणा प्रदेश की जनता एक नया इतिहास रचने का काम करेगी।
पार्टी के बड़े नेता और पूर्व गृह मंत्री अगर अनिल विज की बात करें, पिछले दिनों उन्होंने एक दावा ठोका कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, और अभी आज भी उन्होंने बयान दिया कि अगर मुझे मुख्यमंत्री पद मिलता है तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये अनिल विज जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनका अपना निजी बयान है, उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है जी। जो विधायक दल, देखिए जो विधायक दल का नेता होता है कहीं ना कहीं जो बात करेंगे मुख्यमंत्री साहब की, उनका चेहरा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो पार्टी प्रधान होता है जीत में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और आपकी क्या क्या रणनीति रही है पिछले दिनों में कि आपने ये जो समीकरण है बिल्कुल जो एग्जिट पोल है उसको पलट दिया? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो कठिन परिश्रम करके जनता का विश्वास हासिल किया है उनके परिश्रम की जीत है, और प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो मार्गदर्शन जिस प्रकार का नेतृत्व एक कार्यकर्ता के नाते करना था उसको हमने पूरा करने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस चुनाव में लगे। कुछ बड़े चेहरे जो हैं वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के वो जीत नहीं पाए हैं जी, दूसरी तरफ जो नए चेहरे कई आए हैं उन्होंने जीत दर्ज की है, तो इस पर आपको जैसे ज्ञानचंद गुप्ता जी की मैं बात करूंगा या कुछ और बड़े चेहरों की बात करूंगा, तो वो जो चेहरे हैं तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोकतंत्र के अंदर कौन किसको क्या आशीर्वाद जनता देती है, हर विधानसभा सीट का समीकरण अलग है, हर विधानसभा सीट पर अलग अलग उम्मीदवार थे, और जिस प्रकार का जनता ने जो आशीर्वाद देना था वो दिया है, उस पर कोई टिप्पणी मेरी नहीं। अगर जो निर्दलीय हैं हरियाणा में, जो निर्दलीय जीत रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पास साथ रहेंगे? 2014 में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी थी, हमने सभी निर्दलीयों को साथ में लेकर सरकार चलाने का काम किया। 2019 में भी सभी निर्दलीयों के साथ उनको साथ लेकर सरकार चलाने का काम किया, और 2024 में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार होने के बाद भी हम निर्दलीयों को साथ लेकर सरकार चलाने का काम करेंगे। इस बार जो समीकरण रहे हैं कहीं ना कहीं जो चुनाव के मुद्दे रहे हैं, बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे रखे हैं उसमें नौजवान की बात की है, उन्होंने पहलवान की बात की है, वो उनमें से कोई मुद्दा नहीं चला। क्या इस बार जो रणनीति थी वो जातीय समीकरणों की रणनीति थी या मुद्दों की राजनीति थी? ये कांग्रेस पार्टी ने जरूर इस प्रकार का झूठा नैरेटिव सेट करने का काम किया, किसान जवान और पहलवान के नाम पर जो राजनीति करने का काम किया है उसका जवाब हरियाणा की जनता ने ठीक से दिया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।